open your Tally ERP. Now, select a business. And on the gateway of Tally, select the ClearTax module. Now, under B2B e-invoice. So, good evening, guys. कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिगार्डिंग जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, उसकी अपडेट के ऊपर इन अपकमिंग काउंसिल मीटिंग। जाओ और वीडियो को सपोर्ट दो, बिकॉज ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट से जल्दी अप्रूवल मिलेगा रिगार्डिंग वेवर इन अपकमिंग मीटिंग। और ITR रिवीजन के रिगार्डिंग भी आपको सपोर्ट करना है, बिकॉज रेक्टिफिकेशन के लिए जल्दी ही अपडेट आएगी, आपका सपोर्ट चाहिए। बिकॉज रेक्टिफिकेशन अभी अलाउड नहीं है, जो नोटिस अभी रिसेंटली भेजे जा रहे हैं ऑन कंप्लायंस पोर्टल। सो आज हम पहले कवर करेंगे ई इनवॉइसिंग के ऊपर, कि ई इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको सबको पता है, बट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको इम्पैक्ट करेगा आपके कस्टमर रिलेशन से, और आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है अगर आप नॉन कंप्लायंट करेंगे और आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी नो कि ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो गया है। कितनी टर्नओवर पे? 50 करोड़ की टर्नओवर जिसकी है, क्रॉस करती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। 50 करोड़ आपको कैसे देखना है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 20 या 2021, किसी भी साल में अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अगर ई इनवॉइस नहीं बनाओगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा सामने वाले पर्सन को। तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। हैवी पेनल्टीज गेट अट्रैक्टेड अंडर द लॉ फॉर नॉन इश्यूएंस ऑब्लिक नॉन जनरेशन ऑफ एन ई इनवॉइस, अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10,000 पर इनवॉइस और 100% ऑफ द टैक्स ड्यू विच हैवर इज हायर कुड गेट इम्पोज्ड। मतलब एक इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर सपोज करो टैक्स लग रहा है कितने का, 20,000 का, मतलब 20,000 का 100% मतलब 20,000 या 10,000। एक इनवॉइस के ऊपर 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, मतलब 20,000 हमारे एग्जांपल में, विच एवर इज हायर, उतनी आपको पेनल्टी पड़ सकती है अगर आप इशू ही नहीं करोगे। और अगर आप इशू कर रहे हो और गलत इशू कर रहे हो तो आपको 25,000 तक पेनल्टी पड़ सकती है। कस्टमर रिलेशनशिप गेट इंपैक्टेड। गाइज आपको ITC कैसे मिलता है? सर 2A रिफ्लेक्ट जगह ITC ले लेंगे, ऐसे बात नहीं है। 2A में ITC दिखेगा तो ITC आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस हो। और वैलिड टैक्स इनवॉइस का मतलब है कि आपके पास ई इनवॉइस होना चाहिए। GST returns now get auto populated from the e-invoice system. If you do not issue e-invoice, then your customer GST/2A/2B statement will not reflect the input tax credit that is due to them. मतलब उनको 2A में भी IRN का नंबर दिखना चाहिए, जो उनका 2A या 2B है वहां पे IRN नंबर दिखना चाहिए, तभी आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको जब असेसमेंट होगी, जब आप 3B तो फाइल कर दोगे, बट जब असेसमेंट होगी तब आपको वो सारा का सारा पे करना पड़ेगा, और तब आपके कोई भी लिंक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर उस टाइम टच में नहीं है तो आपको तब कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आपको अपनी जेब से, तो उस केस में आपको अपनी जेब से पॉकेट से पैसा पे करना पड़ेगा। नॉन इश्यूएंस ऑफ ई इनवॉइसिस कुड ऑल्सो मीन दैट योर कस्टमर मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस इनवॉइसिस फ्रॉम यू। दिस इज बिकॉज द इनवॉइस विदाउट एन IRN इज इनवैलिड। If your customer does not accept the invoice, you will not get paid for the goods you have supplied. आपके relation उसके साथ खराब हो सकते हैं। Also, e-way bills cannot get generated because as per the latest government update on e-way bill generation, you will not be allowed to generate e-way bill without an IRN. Non-generation of e-way bill could impact the movement of goods and lead to detention of goods along with penalties being levied. सुबह ही मॉर्निंग की वीडियो में मैंने अपडेट दी थी कि गवर्नमेंट ने हमारी गाड़ी पकड़ ली विदाउट एनी रीजन। जब कोई रीजन नहीं था तब पकड़ ली थी, बट अगर आपने ई इनवॉइस बनाया नहीं तब तो गाड़ी वो छोड़ेगा ही नहीं। सो इफ ई इनवॉइसिंग इज अप्लाइंग टू योर बिजनेस, आप 1 अप्रैल से इसके ऊपर कंप्लाइंट आपको करना जरूरी है, अदरवाइज इनवॉइस जो आप इशू कर रहे हो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ClearTax का ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हो, फ्री डेमो है। और अगर आप खुद एक CA हो, आप अपने क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हो, तो आपको उसमें लिए रेफरल बोनस भी दिया जाएगा। तो आप लिंक्स चेक कर सकते हो, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, टैली कर रहे हो, सैप कर रहे हो, ओरेकल कर रहे हो, ClearTax आपके लिए सभी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आपको टैली के लिए दिखाता हूं। टेक अ लुक एट हाउ ClearTax e-invoicing वर्क्स विद योर टैली ERP।
post integration of ClearTax e-invoicing solution with your Tally, open your Tally ERP. Now, select a business. And on the gateway of Tally, select the ClearTax module. Now, under B2B e-invoice, select e-invoice register. Here, you can view all the invoices present in Tally under the sales vouchers and sales CDN at one place. Under e-invoice pending, you can view all the invoices on which no action is yet taken. Now, to generate IRN, under e-invoice register option, select single or multiple invoices for which you want to generate an IRN. And click on Generate IRN button. Please note, if e-bill details are entered, then e-bill can be generated along with IRN. Otherwise, you can generate the IRN and then add the e-bill details to generate the e-bill. Please wait while your data is being processed. Once it is processed, the IRN either gets generated or pending or failed. The color blue indicates that the IRN is generated. Black indicates that the action is pending. Red indicates that the IRN failed to generate. And green indicates that both IRN and e-way bill have been generated. Now, open an invoice. In case of failed IRN generation, check the status of the error and you can rectify the error in this invoice itself. Now, open an invoice for which IRN and e-way bill is generated. The IRN will be visible in the invoice itself. If you want to view the e-way bill number, select Yes and view the e-way bill number and other required details. You can also print an invoice. Just open an invoice and click on Print Preview button. You can now view and print the invoice. In the invoice, you can view the IRN details and QR code. Now, to cancel the IRN, under B2B e-invoice, click on e-invoice generated option. Select an invoice for which IRN is already generated. And click on cancel IRN button. Now, the invoice will appear under e-invoice cancelled section. You can also recheck the status of the cancelled IRN by clicking on the invoice. If you just want to cancel the generated e-way bill, click on e-invoice generated. Select an invoice for which both IRN and e-way bill are generated. And click on Cancel e-way bill button. Note, you can only cancel the IRN once the e-way bill is cancelled. Now, log in to ClearTax e-invoicing. And on the home page, click on View All Invoices option. Select a business. You can now view all the invoices at one place and the action taken in Tally will also reflect in ClearTax e-invoicing in real time. With ClearTax e-invoicing, you can also print your invoices. Just select single or multiple invoices which you want to print and click on the print button to print the invoices. We have multiple print templates available and you can create your own print template as well.
You can generate and download your customized e-invoice with company logo, IRN and QR code. You can also send mails to your vendors. Just select single or multiple invoices which you want to send. And under More options, select the email option. Enter the required email details. Now, select a template and click on Continue button. Your email will be sent successfully. TurboTax e-invoicing offers you smart data validations and error correction, bulk uploading, bespoke print templates and insightful data analytics dashboards and reports.